ये एक स्कूल की कहानी है। स्कूल में एक बहुत ही एडवांस टीचर थे जिसका पढ़ाने का स्टाइल बहुत ही एडवांस था। स्कूल की हर एक एक स्टूडेंट को पूरा प्लानिंग के साथ पढ़ाते थे। एनुअल एग्ज़ाम के साथ साथ मंथली क्लास टेस्ट, वीकली क्लास टेस्ट और सरप्राइज टेस्ट भी लेते थे। उसी स्कूल में और एक महिला टीचर थी जिसका पढ़ाने का स्टाइल बिल्कुल उल्टा था। वो एडवांस टेक्नोलॉजी पे विश्वास नहीं रखती थी। उन्होंने बड़े प्यार से हर बच्चे को शिक्षा देती थी। हर रोज़ स्टूडेंट को अपना पूरा नॉलेज देना चाहती थी। कभी भी एग्ज़ाम लेके ये जानने का कोशिश नहीं किया कि बच्चे कितना सीखा। अब जब बोर्ड एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम निकल गया, रिज़ल्ट भी आ गया, बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट में पता चला उस महिला टीचर की जो जो स्टूडेंट थे उन सब का एवरेज रिज़ल्ट बाकी सबसे अच्छा हुआ और स्कूल की मैनेजमेंट मीटिंग में उस महिला टीचर की प्रमोशन हो गया। इसे देखते हुए बाकी सब टीचर हैरान हो गए। एक दिन वो एडवांस टीचर जिन्होंने बड़े प्लानिंग के साथ स्टूडेंट को पढ़ाते थे वो आके उस महिला टीचर को पूछा, ये कैसे संभव है? मैं इतना प्लानिंग करके पढ़ाता हूँ, मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट लेता हूँ, फिर भी आपका स्टूडेंट के कंपेरिजन में मेरा स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ। आप ऐसा क्या एक्स्ट्रा करती हो स्टूडेंट के लिए? तो महिला टीचर ने क्या खूब जवाब दिया। महिला टीचर ने बोली, मैं एक पौधे लगा के उसमें हर रोज़ बस पानी डालती हूँ। कभी ये देखने का कोशिश नहीं किया कि पौधे का जड़ कितना मजबूत बना। लेकिन आपने पौधे तो वही लगाया, पानी भी डाला और तो और फर्टिलाइज़र भी यूज़ किए बहुत ही अच्छे तरीके से, लेकिन आप पौधे को हर रोज़ मिट्टी से उखाड़ के देखने का कोशिश किया कि उसका जड़ कितना मजबूत हुआ, कितना लंबा हुआ। नाजुक जड़ों का जो पकड़ बनता है, चाहे वो पौधे की हो या स्टूडेंट की शिक्षा की, उसे हर रोज़ परखना नहीं चाहिए। इसे अपने हिसाब से बढ़ने का हिम्मत टूट जाता है। आज हर घर का कहानी ऐसा ही बन गया। पेरेंट्स अपने हिसाब से अपने बच्चे को तैयार करने का कोशिश करते हैं, लेकिन ये बात किसी को समझ में नहीं आया कि इसे वो बच्चा सोसाइटी में अपना पकड़ तो बना सकता है, लेकिन आसमान छूने के लिए तो उसे अपने हिसाब से ही चलने देना होगा।